हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, है ना। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। यू कैन ऑल्सो टॉक विथ मी थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, एवरीथिंग बायो। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में रहेगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट है। यू कैन चेक अदर वीडियोज़ जो कि पार्ट वन और पार्ट टू है, वो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही बता दूंगी, लिंक उसका रहेगा, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। और इसका ही मैं चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पेपर्स रहेगा वो मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगी, ठीक है। मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर्स रहेगा, मैं वो टेलीग्राम में शेयर करूँगी और उसी का सोल्यूशन मैं वीडियो के तौर पे इस चैनल में, मतलब एवरीथिंग बायो में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पहले प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद। और अगर कहीं पे भी अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है या तो फिर सोल्यूशन की ज़रूरत हो रही है तो यू कैन चेक द वीडियो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आएगा, अभी तो फ़िलहाल शुरू किए हैं, ठीक है, चैप्टर को पढ़ाना। और यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया जा रहा है, नॉट आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी अदर इन्फॉर्मेशन। छोटा छोटा एक दो इन्फॉर्मेशन मैं डाल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ ऐसा होता है कि बाहर से आ जाता है, तो सिर्फ एनसीईआरटी का ही फोकस यहाँ पे है। मैं अलग से कुछ यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ। एक्स्ट्रा थोड़ा जो नोट्स है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और आई होप यू हैव लाइक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगी, ओके। तो अब देखते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में वायरस और लाइकेन के बारे में होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो कि द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो अब तक हम लोग जो बाकी के जो किंगडम देखे हैं, प्रोटिस्टा, वहाँ पे हम लोग देखे हैं कि ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, फोटो मतलब कोई लाइट को यूज़ करके, या तो फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो केमिकल्स को यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं, बेसिकली न्यूट्रिशन, वो एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये टोटली हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है, यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मिलता है। दिस शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव बीन सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट्स। फंजाई तो हम लोग देखे ही हैं। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। तो यहाँ पे कुछ फंजाई होता है जो कि फूड के सोर्स में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉमन मशरूम हो गया, कोई कोई एज अ मतलब वो हम लोग के डिजीज़ कॉजिंग के लिए भी काम करता है, कुछ कुछ पैरासाइटिक फंगस भी होता है, ठीक है। सम यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब बायोलॉजिकल जो बायोटेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है वहाँ पे, और जो फूड टेक्नोलॉजी है वहाँ पे ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे चीज़ में ईस्ट का, इवन नॉर्मल किचन में भी ईस्ट को रखा जाता है। अभी अभी तो बहुत ज़्यादा हम लोग अप टू डेट हो गए हैं, सिर्फ दुकान में ही ब्रेड नहीं मिलता है, घर में भी हम लोग बेक करते हैं, है ना। कोरोना के टाइम में बनाना ब्रेड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड उठा था, सो ईस्ट हम लोग घर में भी वो रखते हैं, अगर कुछ बेक करना है तो वहाँ पे देने के लिए, या तो फिर ये सब काम के लिए बेकरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके साथ साथ जो अल्कोहल बियर होता है उसके उसमें भी यूज़ होते हैं और भी काम रहते हैं उसको। सो अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। विट रस्टिंग कॉजिंग पक्सिनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो कुछ नॉर्मल हम लोगों के इंडस्ट्रियल काम पे भी आ रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स के तौर से हम लोगों के डिजीज़ को भी हल करने के लिए काम पे आ रहे हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट्स। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वो चीज़ की जो हर जगह मिलता है,
ठीक है, हर वो जगह मिलेगा। तो ये बेसिकली एयर में भी मिल रहा है, वाटर में भी मिल रहा है, सॉइल में भी मिल रहा है, मतलब वो हर वो दिशा में है। जिस चीज़ का आप सोच सकते हैं वो वहीं पर प्रॉब्लम, मतलब वहीं पे वो विराजमान है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वर्ड का मतलब वो है। ठीक है, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म ह्यूमिड प्लेसेस। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? येस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया भी वहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि वो मतलब हीट के लिए, मतलब हीट नहीं रहता है, ह्यूमिड नहीं रहता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो एक कंटेनर प्रॉपर कंटेंट रहता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर में रहता है, तो कुछ इधर उधर नहीं जाता है, मतलब टेम्परेचर कुछ फ्लक्चुएट नहीं करता है। दैट्स वाई वो खाने का जो कंडीशन है वो ठीक रहता है। लेकिन हाँ, वो भी हम लोग 2-3 दिन तक ही रख सकते हैं, उसके बाद में अगर रखते हैं तो वो भी सड़ जाता है, राइट? ऐसा भी नहीं है कि फ्रीज में रखे हैं तो वो एकदम ही ठीक रहेगा सालों साल, ऐसा नहीं है। सालों साल क्या, हफ्ते भर भी ठीक नहीं रहता है कुछ कुछ चीज़। सो ये डिपेंड करता है फूड टू फूड या तो फिर आइटम टू आइटम, वो सब डिपेंड करता है कि उसकी जो लॉन्जिविटी है वो कितना होगा। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। देयर बॉडीज कंजिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। Their network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called as coenocytic hyphae. Others have septa or cross walls in their hyphae. The cell walls of the fungi are composed of chitin and polysaccharides. Okay, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, अभी देखेंगे कि हाइफी कैसा होता है, राइट? तो यहाँ पे दो तरीके की हाइफी के बारे में बताया गया है, एक है कोएनोसाइटिक हाइफी और दूसरा है सेप्टेट हाइफी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो सेप्टेट हाइफी देखते हैं। सेप्टेट हाइफी में क्या होता है कि वो ऐसे टाइप के देखने में होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सेल्स एक साथ ऐसे ब्रांच फॉर्म में रहते हैं, और फिर एक एक ये सब एक एक सेल है, ठीक है, फिर ऐसे ब्रांच बनाएंगे, ओके, और यहीं पे रहेगा न्यूक्लियस। हर एक सेल में एक एक करके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस तरफ रहेगा, मतलब इस तरफ नहीं, ऐसे ही वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये दोनों चीज़ एक्चुअली हम लोग बाहर से, मतलब इसका साइज़ बड़ा होता है तो इसीलिए हम लोग इसको नोटिस कर सकते हैं, दिस इज़ द लार्ज ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को ही बना रहे हैं, बाकी गॉल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब भी होता है, लेकिन ये दोनों एकदम डिस्टिंक्टली हम लोग देख सकते हैं, दैट्स वाई मैं ये सब भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है, दिस थिंग इज न्यूक्लियस, राइट? तो ये है न्यूक्लियस, और फिर आता है ये वाला चीज, ये क्या है, वैक्यूल, और फिर ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे, मतलब हर वो सेल के बाद बीच में ये जो पोर्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेप्टम, ओके, दिस इज द सेप्टम, और ये एक एक करके इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइफी। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ब्रांच प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दिस इज़ द ब्रांच, मतलब ये ब्रांच्ड भी होता है, जो सेप्टेट होगा वो ब्रांच्ड भी
हो रहा है, ठीक है। सो ब्रांच नहीं, ब्रांच, ओके। तो ये था सेप्टेड हाइपी, मतलब हम लोग यहाँ पे सेल वॉल, क्रॉस वॉल्स, देखो यहाँ पे क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज अ सेप्टम, दोनों सेल के बीच में वो जो यहाँ पे गैप एक बना रहा है, इस पोजिशन में जो ये गैप बना रहा है, दिस इज सेप्टम। तो ये गैप बना रहा है इन द सेंस, मतलब जो ये एडजेसेंट सेल के बीच में वो जो एक बाउंड्री जैसा क्रिएट कर रहा है, दिस इज द सेप्टम। तो ये वाला दिस इज अ सेल वॉल। तो ये क्या होता है कि कंटिन्यूअस नहीं रहता, ठीक है। बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ जुड़ के वहाँ पे ये हाइफी बनाता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज सेप्टेड हाइफी, ओके। दिस इज कॉल्ड एज द सेप्टेड हाइफी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कोइनोसाइटिक हाइफी है वो कैसा होता है, ओके। तो कोइनोसाइटिक हाइफी के लिए नाउ मूव ऑन टू दिस। कोइनोसाइटिक हाइफी में हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ पे मल्टीपल मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट मतलब क्या होगा कि मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, है ना। क्विनोसाइटिक हाइफी में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। तो ये वाला हाइफी काइंड ऑफ ऐसा होता है, दूसरा कलर यूज करते हैं, ओके। ऐसा एक सिंगल सेल जैसा रहेगा और यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, कोई अलग सा मतलब सेल वॉल यहाँ पे कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहा है। यहीं पे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और बाकी के जो भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होना चाहिए वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। तो दीज आर द न्यूक्लियस, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है और ये वाला है वैक्यूल, और दिस आर द नॉर्मल सेल वॉल। एंड तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो ये था हम लोगों के कोइनोसाइटिक हाइफी के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाला जो मतलब सेप्टेड हाइफी और कोइनोसाइटिक हाइफी, इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया था कि सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं कि दिस इज कंटिन्यूअस ट्यूब फील्ड, जैसे एक साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के जैसे है, एक ट्यूब में, ट्यूब के अंदर साइटोप्लाज्म जैसे रखा गया है और उसी में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, राइट। तो इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट जो हाइफी में गए थे वहाँ पे क्या था कि आदर आर सेप्टेड और आदर्स हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। तो इसको हम लोग पहले वाले को क्या बोल रहे थे, कोइनोसाइटिक हाइफी, और सेकंड वाला क्या था, दिस वाज सेप्टेड हाइफी। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, दिस इज नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक एंड अब्सॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हेटरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, नॉट सेल्फ सफिशियंट, ठीक है, नॉट सेल्फ सफिशियंट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज स्ट्रिक्टली हेटरोट्रॉप, और जो डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं खाना, ठीक है, मतलब खाना नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, केमिकल्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लेते हैं। तो अगर डेड सबस्ट्रेट से लिया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, अगर लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स के साथ अगर रह रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट, ठीक है। तो अगर डेड है तो वो क्या हो गया, सैप्रोफाइट, और अगर लिविंग है तो यहाँ पे दो चीज़ आती है, ठीक है, एक है जो कि हार्मफुल है या तो फिर
हेल्प नहीं कर रहा है, और एक होता है जो हेल्प कर रहा है, और दूसरा है हार्मफुल भी हो सकता है या तो फिर कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो जो हेल्प कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो है सिम्बायंट, ठीक है, दे आर सिम्बायंट्स, और उनके जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायसिस, और फिर जो हार्म कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। और इसका जो रिलेशन है होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब जो भी लिविंग यहाँ पे है इसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सपोज़ कोई पेड़ में, पेड़ के साथ कोई ऑर्गेनिजम्स फंजाई क्या कर रहा है, वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है लेकिन उसको वापस कुछ नहीं दे रहा है, किसी भी तरीके से उसको हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके हो या तो फिर पानी से हो, मतलब वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स कभी कभी फंजाई प्रोवाइड करते हैं, तो उससे भी वो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस वी विल बी कॉलिंग इट पैरासाइट, कि ये इसके ऊपर ही डिपेंड करके है, इसी के भरोसे है लेकिन कोई भी काम पे नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी फंजाई यहाँ पे हेल्प कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायंट, और इसका जो रिलेशनशिप होगा उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब ये रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे सिम्बायोसिस, ठीक है। सो दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक पैरासाइट्स, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेंस एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। तो लाइकेन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब वहाँ पे वायरस और वायरॉयड प्रायंस इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो वाले पोर्शन में वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज लाइकेन एंड एवरीथिंग, ठीक है। अभी देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई में क्या होता है, इट कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। देखो तीन तरीके की होती है, एक है वेजिटेटिव, दूसरा है असेक्सुअल, तीसरा है सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव के भी कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, ये सब। एसेक्सुअल के कुछ टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, ठीक है, उसको याद रखना ज़रूरी होती है। तो कुछ स्पोर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर्स, तो ये सब यहाँ पे लिखा है। जैसे कि वेजिटेटिव मीन्स होती है फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, कौन से स्पोर्स यहाँ पे मिलता है, जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ओके। सो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, ऑल दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम लोग कुछ स्पोर्स देखते हैं जो कि है ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन एक सेकेंड, रिप्रोडक्शन, हाँ, फंजाई के रिप्रोडक्शन में हम लोग ये सब चीज़ एक चार्ट में यहाँ पे प्रोवाइड की हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि तीनों तरीके की रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में, एक है वेजिटेटिव, दूसरा है असेक्सुअल, तीसरा है सेक्सुअल। वेजिटेटिव में हम लोग क्या देखते हैं, फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, ये तीनों हम लोग देख रहे हैं। एसेक्सुअल में ये पाँच मिलता है, ज़ूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लैमाइडोस्पोर्स, ओइडिया, ओके। और सेक्सुअल में हम लोग देखते हैं ऊस्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ये चार होता है, ये तीन होता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके की रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, हालांकि इसके अलावा और भी स्टेप्स होते हैं अंदर, मतलब सब स्टेप्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे तीन स्टेप्स देखते हैं जो कि मेन है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोगैमी के अंदर बहुत सारे टाइप्स होता है, प्लाज्मोगैमी का बहुत सारे टाइप्स होता है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब फंजाई के अंदर जो वो ऑर्गेनिज्म है वो स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा कैसा नहीं होगा, दैट डिपेंड्स। प्लाज्मोगैमी के बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, और कैरियोगैमी और मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ओके, दिस इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कैरियोगैमी में क्या होता है, टू न्यूक्लियस या तो फिर न्यूक्ली फ्यूज्ड, ठीक है। और मियोसिस इज बेसिकली रिडक्शन डिवीजन, वी ऑल नो रिडक्शन डिवीजन। और ये रिडक्शन डिवीजन बेसिकली कहाँ पे होती है, ये होती है फ्रूटिंग बॉडीज में, ओके, दिस हैपन इज फ्रूटिंग बॉडी। और ये फ्रूटिंग बॉडीज में क्यों होती है, क्योंकि इसको हैप्लॉइड स्पोर्स जनरेट करना पड़ता है, मतलब ये ऑब्वियसली मियोसिस से क्या बनता है, एन
हैप्लॉयड ही तो बनता है रिडक्शन डिवीजन होने के बाद। तो ये जो रिडक्शन डिवीजन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज अ मियोसिस, ये रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंजाई। और ये फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और क्या मतलब क्या जनरेट होता है, दैट इज हैप्लॉयड स्पोर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, हैप्लॉयड स्पोर्स जनरेट होते हैं। नाउ वी विल सी कि यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। मैं अभी फ्लावरिंग प्लांट बोलने वाली थी। एनीवे, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। एक है क्या, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्लाज्मोगैमी, विच टेक्स बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो दो गैमेट्स के बीच में, भले वो मोटाइल हो, मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, एक मोटाइल दूसरा नॉन मोटाइल हो सकता है, या तो फिर दोनों नॉन मोटाइल या तो फिर दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है, दिस इज फॉर द प्लाज्मोगैमी। और फिर आता है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्ली, दैट इज कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉयड स्पोर्स। तो ये हमने ये तीनों देख लिए कि हाउ दिस वर्क्स। नाउ अब मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन कि कैसे करके ये रिप्रोडक्शन होता है। हालांकि पूरा स्टेप्स तो नहीं दिया गया है, यहाँ पे कैरियोगैमी का एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया गया है। क्या, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली टू हैप्लॉयड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स आर कम टुगेदर एंड फ्यूज। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉयड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड सेल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लॉयड सेल में डिप्लॉयड सेल बनता है। हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज आर इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, दैट इज एन प्लस एन। ठीक है, जहाँ पे टू न्यूक्ली पर सेल मिलता है, और दैट ऑकर्स इन सच अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज डाइकैरियन। और इसको क्या बोलते हैं, इस फेज को डाइकैरियो फेज बोलता है। ठीक है, तो इफ़ आई गो थ्रू मतलब अगर मैं एक पिक्चर यहाँ पे बना रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है डाइकैरियोसिस और ये नॉर्मल एक डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, तो नॉर्मल जो डिप्लॉयड सेल है, यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, एक 2n न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, 2n क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम है। 2n का मतलब क्या है कि यहाँ पे टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है। ओके, और ये जो डाइकैरियोसिस जहाँ पे हुआ है, डाइकैरियन हम लोग जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जब दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ है, यहाँ पे भी ये दोनों मिलके 2n बनाया, और ये दोनों मिलके बेसिकली n प्लस n एक फॉर्म में रह गया। ठीक है, इसमें से एक होता है मदर न्यूक्ली। ठीक है, सपोज दिस इज द मदर न्यूक्ली और एक छोटू सा होता है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो एक मतलब n से 2n हुआ है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम आया है। यहाँ से एक सिंगल सेट मिला मुझे, यहाँ से एक सिंगल सेट मिला, फिर दोनों मिलकर टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम हुआ है, अमाउंट इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक सेल में ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, जहाँ की एन रहना चाहिए, या तो एन हो या टू एन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ न्यूक्लियस वन होना चाहिए, वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो रहा है, टू हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाई कैरियन। ठीक है, या तो फिर डाइकैरियोटिक सेल, जहाँ पे दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डाई का मतलब क्या है, दो, और कैरियन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइकैरियन या तो फिर डाइकैरियोटिक सेल। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग दो तरीके के देख रहे हैं। ये जो मतलब ये वाला जो हो रहा है लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड वाला कब किस में होता है,
एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस में। और ये वाला होता है, दिस इज वेरी कॉमन, ये मोस्ट ऑफ द फंजाई में होता है, दिस वन इज वेरी कॉमन। ओके, तो ये था हम लोग के पास क्या, एक है डिप्लॉयड, दिस इज अ डिप्लॉयड, यहाँ पे प्लॉयडी लेवल चेंज हो रहा है और यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, दिस इज डाई कैरियोटिक। ओके, तो ये था दो सेल जो रिप्रोडक्शन के टाइम में न्यूक्लियस का जो चेंजेस हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया। नाउ लेटर द पेरेंटल न्यूक्ली फ्यूज विद द सेल एंड बिकम डिप्लॉयड। तो यहाँ पे जो मैं डाइकैरियोसिस बताई थी, दिस डाइकैरियोसिस, वन सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे जो ये डाइकैरियोसिस, ये जो मदर न्यूक्ली मैंने यहाँ पे बताया था, ये मदर न्यूक्ली बेसिकली क्या होता है, फिर इसके साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूज हो जाने के बाद ये फिर से 2N बनाता है, लेकिन यहाँ पे एक फेज रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक फेज क्रिएट होता है। इस फेज में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो फेज बना है, इस फेज में ये दो, मतलब N प्लस N, एक डाइकैरियोटिक फेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और फिर ये वापस जाके 2N बना रहा है, मदर न्यूक्ली एक है उसके साथ वो जो पोलर न्यूक्ली है वो मिलके फिर फ्यूज होके फिर 2N बन गया, लेकिन बीच में एक फेज होता है जहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ पे मिलता है, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस में। नाउ द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो इसके बाद क्या होता है, वो जो डिप्लॉयड्स फंजाई, डिप्लॉयड बन गया है, ठीक है, इसके बाद वो फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन डिवीजन ऑकर होता है और फिर उस रिडक्शन डिवीजन के थ्रू हैप्लॉयड स्पोर्स जनरेट होते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन रूटिंग बॉडीज एंड फ्रॉम द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द किंगडम इंटू वेरियस क्लासेस। तो यहाँ पे जो हम लोग क्लासेस देखेंगे, बेसिकली एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ये सब जो हम लोग क्लासेस देखेंगे अभी, ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट किस तौर पर किया गया है, किसके माइसेलियम कैसे हैं, इसके जो स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं, सेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज, ये कैसे तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, तो ये चार मतलब चार कैटेगरी में, चार कैटेगरी को हम लोग देखते हैं और उसी मुद्दे के ऊपर बेस करके ये क्लासेस को डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है, फाइकोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, जो भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। नाउ द फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस को अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज दिस एल्गल फंजी, ठीक है, एल्गल फंजाई या तो फिर फंगी, जो भी बोलते हो तुम। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन अ मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। तो मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस इज वेरी कॉमन फॉर फंजाई, उनके लिए वो बहुत ही बड़ा एक कम्फर्ट जोन है और वो कम्फर्ट जोन छोड़ के बाहर आके कोई एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, दैट इज देयर कम्फर्ट जोन। तो कहीं पर भी रहे, एयर हो या सॉयल हो, कहीं पे भी हो, डैम्प है और मॉइस्ट है, तो बस बल्ले बल्ले वो वहीं पे जाएंगे, ठीक है। नाउ द माइसिलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक। अच्छा देखो यहाँ पे माइसिलियम कैसा है, एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक, मतलब अगर हम लोग कोइनोसाइटिक हाइफी में जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये कहाँ पे मिल रहा है, फाइकोमाइसिटिस में, है ना, फाइकोमाइसिटिस में ये कोइनोसाइटिक हाइफी मिलता है जो कि एसेप्टेड होते हैं और एसेप्टेड होते हैं और मल्टी न्यूक्लियस रहता है जहाँ पे, ठीक। सो माइसिलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर दैट इज मोटाइल, बाय एप्लानोस्पोर दैट इज नॉन मोटाइल। तो दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, एक है एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल है और एक जूस्पोर्स है जो कि मोटाइल है, एंड दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स। These spores are endogenously produced in sporangium. Endogenously word का मतलब क्या होता है, endogenously मतलब system के बाहर, sorry system के अंदर, ठीक है, endogenously मतलब it happens within the system या तो फिर within the organism, organism के अंदर ही ये
स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। तो जो ये स्पोर फॉर्मेशन हो रही है वो एंडोजेनस होती है, मतलब अंदर ही होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। नाउ अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जाइगोस्पोर्स कैसे फॉर्म होता है? दो गैमेट के फ्यूजन के थ्रू फॉर्म होता है। दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ओके, तो अगर सिमिलर है इन मॉर्फोलॉजी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगैमस। और डिससिमिलर, अगर डिससिमिलर है तो उसको क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस और ओगैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकॉर, राइजोपस दैट इज कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड या तो फिर ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं, और एल्बियोपू द पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ठीक है। तो म्यूकॉर, राइजोपस, एल्बियो, दीज थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस या तो फिर एल्गल फंजाई। इसके बाद आता है क्या? एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक फंजाई, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसीलिए इसको बोल देते हैं सैक फंजाई। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। पेनिसिलिन है एक एग्जाम्पल। सिर्फ मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं कि, लेकिन रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट। ईस्ट को हम लोग और एक क्या नाम से जानते हैं? सैक्रोमाइसिस, तो उसका साइंटिफिक नेम है जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, और एक है शुगर मोल्ड, ठीक है। सो दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है कि वो ऑब्वियसली हेटरोट्रॉफिक तो है ही, लेकिन वो डेड और डिकेड सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन या तो फिर न्यूट्रिएंट जो भी बोलते हैं वो एब्जॉर्व करता है। नाउ सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस किसको बोलते हैं? जो काउ डंग, गोबर के ऊपर जो बनते हैं, ठीक है। तो गोबर के ऊपर जो भी फंगस तुम देखते हो वही है एस्कोमाइसिटिस। बहुत ही घिनौनी चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। तो माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो इनका जो माइसिलियम है दैट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग सेप्टेड हाइपी बनाए थे वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज ऑफ एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस में हम लोग देखे हैं कि ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है ना हाइफी। इसके बाद आता है कि ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। नाउ द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। तो इसके पहले वाला जो फाइकोमाइसिटिस था वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे? दिस इज एप्लानोस्पोर्स, नॉन मोटाइल था, और जूस्पोर्स जो कि मोटाइल था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है? कोनिडिया, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस का जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम से क्या जानते हैं? कोनिडिया। प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। तो एक्सोजीनियसली का मतलब क्या है? एंडोजीनियसली के लिए हम लोग क्या देखे थे? विद इन द सिस्टम। और ये क्या है? दिस इज आउटसाइड, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म या तो फिर आउटसाइड द सिस्टम ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर्स। तो इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड कोनिडियोस्पोर, और वही कोनिडियोस्पोर्स के थ्रू ये एक्सोजीनियसली बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, ये अपना एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली इन सैक लाइक दैट इज एस्कीस, सिंगुलर एस्कस। दिस एस्कीस आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। तो इनके जो फ्रूटिंग बॉडीज है, ये फ्रूटिंग बॉडी किस नाम से जाना जाता है? दैट इज एस्कोस्कार्प। लेकिन देखो ये जो फाइकोमाइसिटीज हैं यहाँ पे कोई भी फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं है अलग से, ठीक है। ये एंडोजीनियसली होता है, यहाँ पे कोई अलग से फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट नहीं है। सो इसके बाद सम एग्जांपल्स क्या है? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्ल्ड वर्क एंड मेनी मेंबर्स मोरल्स एंड ट्रॉफिल्स आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसी। तो देखो एस्कोमाइसिटिस जो एक क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंजाई, मतलब हम लोगों के ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंजाइज यहाँ पे प्रेजेंट है ना। क्योंकि यहाँ पे पेनिसिलियम भी इसी क्लास के अंदर आता है, ईस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक हम लोगों के अभी के लाइफ में तो ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एज इकोनॉमिकली, ठीक है।
तो इकोनॉमिक वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ और भी देख रहे हैं कि एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को क्या बोला जाता है? न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, ऑफ प्लांट किंगडम। और जो एस्परजिलस है, एस्परजिलस को क्या बोलते हैं हम लोग? गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम और ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों भी एस्कोमाइसिटिस में मिलता है। इसके बाद आते हैं बेसिडियोमाइसिटिस में। बेसिडियोमाइसिटिस का नाम क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो, ब्रैकेट फंजाई है, मशरूम भी बोलते हैं इसको, पफ बॉल्स भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ देयर इज अनादर नाम विच इज कॉल्ड इज क्लब फंजाई। ओके, क्लब फंजाई बोलते हैं, और ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, यस, एंड मशरूम। ओके, तो बेसिडियोमाइसिटिस के इतने सारे नाम हैं। एज दे ग्रो इन सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। तो ये पैरासाइट्स होते हैं, रस्ट, स्मट्स, इसमें वो बनते हैं। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ओके, सो दिस इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो अगर हम लोग सेप्टम में जाएँ तो यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस, नेक्स्ट आएगा क्या? बेसिडियोमाइसिटिस। ये ऐसे हाइफी होता है बेसिडियोमाइसिटिस का भी, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस का हम लोग देखे थे। नाउ एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो एसेक्सुअल स्पोर्स इज जनरली एबसेंट इन बेसिडियोमाइसिटिस। सेक्स ऑर्गन्स आर एबसेंट, बट प्लाज्मोगामी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन of two vegetative or somatic cells by different strains of genotype। तो यहाँ पे sexual reproduction के लिए basidiomycetes में हम लोग देखते हैं basidiospores मिलता है, ठीक है, और sex organs present नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे basically plasmogamy चलता है, मतलब plasmogamy कहाँ पे आता है? द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज dikaryotic। तो हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस दोनों में ही डाइकैरियोटिक एक फेज होता है एन प्लस एन का, ठीक है, कुछ देर पहले ही हम लोग देखे हैं, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम। कैरियोगमी एंड द मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस, अगेन एक्सोजीनियसली मतलब बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होता है, ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प्स। तो इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? बेसिडियो कार्प्स। तो फाइकोमाइसिटिस का कोई भी फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट नहीं था। एस्कोमाइसिटिस का जो फ्रूटिंग बॉडी था उसका नाम था क्या? एस्कोस्कार्प्स। और यहाँ पे बेसिडियो कार्प्स, ठीक है। सम कॉमन मेंबर्स आर एगरिकस, दैट इज मशरूम, उस्टिलागो, दैट इज मट, एंड पक्सिनिया, दैट इज रस्ट, फंगस। इसके बाद आता है नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस का नाम क्या होता है? इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया, तो ऑलरेडी और नहीं लिख रहे हैं। बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। बेचारे के पास कोई भी सेक्सुअल फॉर्म्स प्रेजेंट नहीं है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes. तो यहाँ पे basically ये लोग confusion में हैं, ठीक है, कि इसका जो placement है वहाँ वो कहाँ पे होना चाहिए। एक तो इनके पास एक opinion है कि ऐसा हो सकता है कि asexual और vegetative stage को लेके उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर डाला गया है, मतलब उसके नाम से डाला गया है। नाउ एंड द सेक्सुअल स्टेज अनादर एंड प्लेस्ड अंडर अनादर क्लास। और कोई अलग सा कोई क्लास है जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस को इंक्लूड किया गया है। लेटर व्हेन द लिंकेज वेर एस्टेब्लिश्ड, द फंजाई वेर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो इसके बाद क्या हुआ? पता चला कि इसका जो पोजिशन है, दिस इज वेरी कन्फ्यूजन। और वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। तो द ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। तो इसका जो एसेक्सुअल स्पोर है उसका नाम क्या है? कोनिडिया। द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड,
सम मेंबर्स आर सैक्रोफाइट्स और पैरासाइट्स वाइल द अदर वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग. तो डिकम्पोजर्स बेसिकली क्या करता है, मिनरल साइक्लिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. हम लोग जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कितना ज़्यादा मिनरल साइक्लिंग में हेल्प होता है, और उसका आपको पूरा चार्ट वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्टरनेरिया, कलेटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा. ओके, तो ये हो गया ड्यूटेरोमाइसिटिस, बेसिजियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड फाइकोमाइसिटिस के बीच में हम लोग जो जो डिस्कस करना था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. ठीक है, तो नाउ वी विल बी लाइक, अगर आपको चारों क्लास अगर पता चल गया है, नाउ वी कैन ईजीली कंपेयर बिटवीन ऑल दिस, है ना. अगर ऐसा कोई चार्ट बनाया जाए, सपोज फॉर योर लाइक रिविजन पर्पज, ठीक है. तो माइसेलियम तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट, दिस इज एसेप्टेट, एसेप्टेट और यहाँ पे कोइनोसाइटिक भी होता है, एसेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक. बहुत ज़्यादा माइसेलियम, ये सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट. और ये जो तीन है ये सेप्टेट है और ब्रांच्ड भी है, ठीक है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड. This is also septate and branched. Now asexual spore. Asexual spore हम लोग देखे थे phycomycetes में, क्या देखे थे यहाँ पे, कि एक था zoospore जो कि motile था, और दूसरा है क्या, non-motile, that is aplanospores, right? तो एक है zoospores और दूसरा है aplanospore. ज़ूस्पोर जो कि मोटाइल है, ठीक है, और एप्लैनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल है. और इसके साथ साथ और एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर. नेक्स्ट जो एस्कोमाइसिटिस है वहाँ पे क्या होता है, कोनिडिया प्रेजेंट है. बेसिडियोमाइसिटिस में कोई भी एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं होता है, जनरली एब्सेंट. और जो ड्यूटेरोमाइसिटिस होता है वहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं, कोनिडिया प्रेजेंट है, राइट. इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्सुअल स्पोर. सेक्सुअल स्पोर्स में अगर हम लोग देखते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स में फाइकोमाइसिटिस में सेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है, ज़ूस्पोर्स एंड ऊस्पोर्स, है ना, सॉरी ज़ाइगोस्पोर्स एंड ऊस्पोर्स. नाउ एस्कोमाइसिटिस, देखो ड्यूटेरोमाइसिटिस में तो ये एब्सेंट होता है, वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट, दिस इज एब्सेंट हियर इन ड्यूटेरोमाइसिटिस. और एस्कोमाइसिटिस में हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं कि एस्को स्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स. नाउ यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एंडोजेनसली हो रहा है, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं है. और इसके साथ साथ यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल फेज ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी एब्सेंट होता है. और यहाँ पे एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में क्या होता है, एस्कोकार्प्स एंड बेसिडियोकार्प्स. ओके, तो ये था टोटल पूरे जो चार्ट है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ जस्ट, ये आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो फिर पॉज करके इसको आप थोड़ा सा कहीं पे बना के अपना बुक में रख सकते हैं. छोटा ही एक चार्ट है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा जगह नहीं रहे लगेगा. ओके, तो ये आप कर सकते हैं. इसके बाद अगर ये तो हो गया, और कुछ कॉमन नेम्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ कुछ प्रेजेंट था, जैसे कि राइजोपस, ठीक है, ब्रेड मोल्ड मेंशन है ना यहाँ पे, फिर एल्बियोगो, द पैरासाइटिक फंजाई. तो वैसे करके मैंने कुछ लाया है कॉमन नेम्स फॉर द फंजाई, ताकि आपको मतलब जो बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं, ठीक है, जो नाम है बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं, उसका ही कुछ कॉमन नेम लाए हैं. ओके, तो राइजोपस, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, म्यूकोर, पेनिसिलियम, एगरिकस एंड न्यूरोस्पोरा.
तो न्यूरोस्पोरा एंड एग्रिकस का हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूरोस्पोरा क्या है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। एग्रिकस क्या है, दिस इज द बटन मशरूम। पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम ब्लू ग्रीन मोल्ड, ब्लू या तो फिर ग्रीन मोल्ड। म्यूकोर क्या होता है, म्यूकोर बिछाड़ा डंग मोल्ड है, ठीक है। एस्परजिलस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि एस्परजिलस गिनीपिग होता है, सॉरी गिनीपिग ऑफ प्लांट किंगडम। नाम दिया गया है, ये कॉमन नाम है, ठीक है, ये सच में गिनी पिग नहीं है। सैक्रोमाइसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज ईस्ट, और ईस्ट के साथ साथ इसको और एक बोला जाता है, दिस इज शुगर मोल्ड, दूसरा एक नाम। राइजोपस क्या होता है, ब्लैक मोल्ड या तो फिर ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड ही वेरी वेरी कॉमन, ठीक है, ब्रेड मोल्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हम लोग इसको ब्रेड मोल्ड के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। तो ये हो गया एक कॉमन नेम का चार्ट, दैट इज राइजोपस, ब्लैक या तो फिर ब्रेड मोल्ड। इसके बाद आता है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस में हम लोग देखते हैं कि ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट को जानते हैं सैक्रोमाइसिस के हिसाब से। एस्परजिलस, एस्परजिलस के लिए गिनी पिग ऑफ प्लांट किंगडम हम लोग जानते हैं। इसके बाद आता है म्यूकोर, म्यूकोर बेचारा डंग मोल्ड है। और फिर आता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या होता है, ब्लू ग्रीन मोल्ड के जैसे होते हैं, मतलब सॉरी उसका कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन मोल्ड। एगरिकस, एगरिकस इज बटन मशरूम। और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये हो गया टोटल जो कॉमन नेम, मुझे जो लगा कुछ कुछ मतलब जानना चाहिए आपको फॉर दिस चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर के लिए कॉमन नेम कुछ। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट क्या है, दैट इज नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये बेसिकली यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ये एक जैसे कि ट्रेलर के जैसा होता है, नॉट इवन ट्रेलर, दिस इज जस्ट अ टीज़र कि हाँ आने वाला है चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में। तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोला है, जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन कि ऑल यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट, अ फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पैरासाइट्स। मैं ये इसको इसीलिए यहाँ पे पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा है कि ब्लैडर वोर्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, क्रस्ट कस्कटा इज अ पैरासाइट, एंड द प्लांट सेल्स हैव एन यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस। क्या क्या है वो भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज डिप्लॉयड सैक्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। और इसीलिए ये ऑल्टरनेट करते रहते हैं हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में, एंड दैट्स वाई दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक है। इसके बाद आता है किंगडम एनिमेलिया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे ठीक चैप्टर 4 में, मतलब प्लांट किंगडम के बाद में ही आएगा एनिमल किंगडम, और पूरा का पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आरिच विटेकर विल बी कंप्लीटेड। तो 3 किंगडम हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम नेक्स्ट में, मतलब अभी तो नेक्स्ट क्लास में होगा वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज बाई हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी फोटोसिंथेसिस में नहीं करता, कीमोसिंथेसिस में कुछ करता ही नहीं है, सबके सब हेटरोट्रॉफिक है, दूसरे के भरोसे चलते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ। दैट आर मल्टी सेलुलर एंड दिस देयर सेल लैक सेल वॉल, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। और इसके बाद प्लांट में जो फूड रिजर्व होता है वो किस बेसिस में होता है, स्टार्च, राइट, स्टार्च प्लांट में होता है, और ग्लाइकोजन एनिमल में होता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक एंड
by ingestion of food. They follow definite growth pattern and grow into adults that have definite shape and size. अब देखो definite और indefinite के मतलब मैंने already living world का जो lecture है मैंने वहाँ पे explain किया था. So definite shape and size और definite growth का मतलब क्या होता है कि suppose एक plant को आप बहुत अच्छे से nutrition दे रहे हैं या कुछ और, suppose कोई tomato plant है या तो फिर कुछ rose plant है, तो एक एक plant का ना एक एक variety होता है. लेकिन वैरायटी के ऊपर भी क्रॉस करके क्या होता है, कुछ पौधे को बहुत अच्छे से खाना पानी सूरज का किरण सब कुछ मिल रहा है अच्छे से, ठीक है, पॉल्यूशन भी उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छे से उसका देखभाल किया जा रहा है, तो वो ना थोड़ा सा अपना जो लिमिट है उसको बहुत अच्छे से वो पुश कर सकता है, और पुश करके वो एकदम अच्छे से अपना जो मतलब जो हाइट है या तो फिर जो साइज है उसको इंक्रीज कर सकता है. अब ये तो एनिमल के लिए तो कभी ऐसा नहीं होता ना, हम लोग के लिए एक डेफिनेट साइज है कि हाँ तुम 6.5 फिट या तो फिर 4.5 फिट यहाँ तक इस रेंज में ही रहोगे, ठीक है, मतलब जो मतलब अगर बहुत छोटा भी हो गया और बहुत बहुत उसका हाइट अगर बहुत ही लंबा हो गया फिर भी वो एक इस रेंज में ही रहता है. कोई कभी 20 फीट का आदमी नहीं बन जाता है ना, या तो फिर मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा उसका हाइट बढ़ गया है, तो क्यों बढ़ गया है, क्योंकि बचपन से ना बहुत अच्छे मतलब उसको बहुत ही पौष्टिकता में रखा गया है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता था, ऐसा कभी नहीं होता है, नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता है. तो ये हम लोग के लिए एक डेफिनेट शेप एंड साइज मेंटेन रहता है, हम लोग कभी ऐसा नहीं होता है कि एक हाथ कुछ अलग हो गया दूसरा हाथ कुछ अलग हो गया, मतलब ऐसा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा यूजेज में भी कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है. तो दैट्स वाई आवर ग्रोथ पैटर्न इज डेफिनेट डेफिनाइट, ठीक है, और शेप भी जो है वो भी सेम है. हायर फॉर्म्स शो इलाबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट. ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे वायरस वायरॉयड ट्रायंस एंड लाइकेंस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किए हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो आप चेक कर लेना नेक्स्ट वीडियो जो कि कल 10 बजे सुबह आएगा. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ 10 बजे एक एक करके वीडियो अपलोड किया जाए ताकि नीट आने तक हम लोग के सिलेबस ख़त्म हो जाए और हम लोग प्रैक्टिस भी करनी है. तो इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो आप एवरीथिंग बायो सर्च करोगे चैनल नेम तो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, और अगर नहीं भी मिला तो आप लिंक्स पे क्लिक करके वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर जैसे ही हम लोग कर लेंगे फिर प्रैक्टिस कर लोगे आप 2-3 दिन टाइम दूंगी मैं, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन तो ऐसा रहना चाहिए ना कि आप भी थोड़ा ढूंढो थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, और हाँ जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट मॉडरेट ऐसा ही होगा, इससे नीचे तो नहीं जाने वाला है, इजी वेरी इजी वाला वो कुछ फंडा है ही नहीं, ठीक है, वो करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत सारे बुक्स है आप वहाँ से कर लेना, और लेट्स सी क्या होता है कितने लोग आप इंटरेस्टेड होते हो, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ठीक से पढ़ाई करो, और फिर और भी लेक्चर लेके मैं आ रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर पसंद आ रहा है लेक्चर तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड यू नो एवरीथिंग एक्चुअली, तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. चलो बाय.